केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रार्थना की। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीते वर्ष जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पटना की धरती पर आकर मत्था टेकने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य है कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, दूसरी तरफ समूचा देश बाल दिवस मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के दिन थोड़ा नीचे कीजिए एनआई मुझे श्री हरमंदर पटना साहब आके माथा टेकने का सौभाग्य मिला। ठीक है, आपको याद है कि याद होगा पिछले वर्ष 9 जनवरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 26 दिसंबर को 9 जनवरी को कहा था कि 26 दिसंबर को हम जो शहादत है साहिबजादों की उसको बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, और ये देखिए आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो विकास की गति में है, आज हम दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5वें स्थान पे है। बहुत जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होगी बहुत ही जल्द। और ये सब ऐसे मौके पे बाल दिवस मनाना और जो शहादत है साहिबजादों की उसको याद करना, ये मैं समझता हूँ हमारी देश को मान भारत को जिसको 2047 तक विकसित देश बनाना है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसलिए मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आके मथा टेकने का मौका मिलेगा अपने भाइयों के साथ, हमारे अंजीस भाइयों के साथ, सिख समुदाय के साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ कुछ चर्चा करने का भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।